आपके गांव कठुआई में ये भजन जगड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान रोहतास डीजे साउंड जनु थरसा। आपके सामने छोटा सा कलाकार धर्मेंद्र सिंह गोठरा बसारी से हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई रामवीर जी अकोश दाऊजी से, और हमारे साथ मीठी मीठी जानकार दे रहे हैं जीके की घनश्याम पंडित जी। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति सुनेंगे साहब। बहुत ही बड़ी बात है कि जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, आप जैसे बुजुर्ग पुरानी परंपरा को लेकर चल रहे हैं सज्जनों, कभी बार बार इस मनुष्य को चेतावनी देता है और दोलारों में बताया भैया कि सायर सपूत में सा जो है सबको हर कायर कूर कछुका मिन आवे फल बिन डार न बतना देखी सो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे कि बिन संतोष सुखी मत जानो और बिन सुरताल कहाँ कोई गावे कहे शिव राम खेत बिन नाज सो कुल बिन लाज कहाँ से आवे। कोशिश करूंगा आपके हृदय को छूने की। कभी कह रहा है भैया हाँ संतोष करके देख ले रे संतोष करके देख ले सम्मान मिलेगा संतोष करके देख ले सम्मान मिलेगा सम्मान मिलेगा अरे तुझको एक रोज वो भगवान बस तुझको एक रोज वो भगवान
विचार में वह त्रियाधन व्यास सरोवर में छुपकर बैठ जाता है। सज्जनों, जब भीमसेन उन्हें अपशब्द बोलते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, तो वह दुर्योधन बाहर निकल के आता है और दोनों में घमासान युद्ध होता है। तो भीमसेन दुर्योधन की जंगाओं पर गदा मार देते हैं। सज्जनों, आज दुर्योधन घायल अवस्था में व्यास सरोवर पर पड़ा हुआ है और अंत समय पर उस मुरलीधर कन्हैया को याद कर रहा है, सोच रहा है उस कान्हा ने मेरे को न जाने कितनी बार समझाया लेकिन मेरी एक भी बात उसकी बात को अपने कानों में नहीं डाला। बिल्लप कर रहा है, रो रहा है और सुनेंगे मराठी कैसे था। जिसकी ना फटी विवाही हो वो पीर परा।
घेर के ठाड़े श्यार और भूत पिशाच जोगनी नाचे मच रहे हा हा। सो निर्वस भयो भूप दुर्योधन और ना कोई संग दुके लहो और रोवे रण भूमि। भैया रो रहा है और बिल्लाप कर रहा है कैसे? हाय जो बीत गए हैं, जो बीत गए हैं, जमाने
अरे रावण जैसी राजधानी, हाय रावण जैसी राजधानी, और नायकाओं के होने की, और उनके घर माटी के परवा की लंका सोने की, हरा पाली ने अभिमान किया था, ₹50 योगेश प्रधान जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। अरे पाली ने अभिमान किया तो एक बाण से मार दियो, ये 101 रुपए का पुरस्कार राम खिलाड़ी प्रधान जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। ये ₹50 योगेश प्रधान जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। अरे पाली ने अभिमान किया तो एक बाण से मार दियो, हाय पाली ने अभिमान किया तो एक बाण से मार दियो, हर हर ना कुछ अभिमान की हो तो धर जा कन पे मार दियो। इस तरीके से आज वो दुर्योधन अपने भाइयों को याद कर रहा है भैया, और चौक सुनेंगे सब कैसे। हाय हरे राजा से, हाय राजा लास देख टकरावे, हर जाको फट्यो करे जा जावे, राजा लास मत के हीन कहे मत राजा, और तुम दुख विपदा को झेलो और रोवे रण भूमि। आज वो कौन अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आ जाता है, और भैया दुर्योधन को समझा रहा है, कैसे समझा रहा है, अरे धीरे और होनी सेनाएं पाले कोई भैया पाए,
को नाश करेबा को और रहो ना साथ। सो करके श्याम चले गए वहां से और दल को होए लिपटेरा और रोवे रण भूमि। अब एक छोटा सा गाना सुनेंगे साहब, गाना मेरा उस समय का है जब वो श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी अंधा को तीर्थ यात्रा पर लेके जाता है, अयोध्यापुरी के निकट पहुंच जाता है सरयू नदी के पास में। अंधी अंधा को प्यास लगती है, बोले बेटा हमारा दिल भर गया है जो तुमने सेवा की है, शायद ही आगे कोई करे। हमें जोर की प्यास लगी है, एक बार हम पानी पीना चाहते हैं। श्रवण कुमार कमंडल उठाकर सरयू नदी के पास में पहुंच जाते हैं। उधर महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे, शिकार खेलते खेलते देरी हो जाती है। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू नदी में अपना कमंडल डुबोया, उसमें से जो आवाज उत्पन्न हुई उस शोर को सुनकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वो शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार के लगा। जैसे ही आवाज सुनी राजा दशरथ ने सोचा ये तो किसी मनुष्य की आवाज है, दौड़कर कहा श्रवण कुमार के पास में पहुंच गए। जो कुछ भी हुआ राजन मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन मेरे अंधे माँ बाप हैं, आप ये कमंडल ले जाओ और उनको ये पानी पिला दो। इधर श्रवण कुमार ने अपनी देह त्याग दी और राजा दशरथ अंधी अंधा के पास पहुंच जाते हैं, कुछ बोल नहीं रहे। उधर अंधी अंधा बेचैन हो गए, बोले भैया श्रवण बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम पानी लाए ना। तो राजा दशरथ ने बोला मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं और मेरे इन हाथों से आपके निर्मम पुत्र की हत्या हो गई है। भैया आंसुओं का अंबार लग गया, दोनों बिलखने लगे और कह रहे हैं कैसे। दिल से निकले बतुआ और अफसोस है इस बात का, हम कभी पी सकते नहीं ये जल तुम्हारे हाथ का। राजा दशरथ बोले कि अपराध जो मुझसे हुआ हर उसको क्षमा कर दीजिए, आज मेरे हाथ से आप ये जल पीजिए। लेकिन भैया कहना है कैसे। हाँ हमने यही प्रण, हमने यही प्रण की ना है जात रजल नहीं पीना। भैया वो अंधी अंधा करें कैसे,
नैनों का तारा था, बिन ज्योति के दोनों नैना इन नैनों का तारा था। ये नथी ठेकेदार जी, 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बिन ज्योति के दोनों नैना इन नैनों का तारा था, कोई नहीं है इस दुनिया में वो ही एक सहारा था, वो ही एक सहारा था। हरे जीने की कोई हास रही ना। ये मुख्तियार कठवारी से हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जीने की कोई आस रही ना और दुआ कोई पास रही ना। श्राप ये तुझको, श्राप ये तुझको दीना है, जा तेरा दिल नहीं दीना। जीने को अब बचा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे, अरे प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जलना पिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जलना पिएंगे। हाँ इन होठों पे प्यास रही ना, रही ना हर दुआ कोई पास रही ना। स्वर्गीय श्री महेंद्र पहलवान जी बिलावटी वालों की तरफ से उनकी याद में ये 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। इन होठों पे प्यास रही ना और दुआ कोई पास रही ना। अब नहीं हमको जीना है, हाँ अब नहीं हमको दे दिया। अंधी अंधों ने, अंधी अंधा दशरथ तुझको याद एक दिन आएंगे, हरे अंधी अंधा दशरथ तुझको याद एक दिन आएंगे, हर अपने पुत्रों के वियोग में प्राण तेरे भी जाएंगे, रही ना और दुआ कोई पास रही ना। हाँ श्राप